मध्य प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव के आरक्षण होए के बाद जो है अब सीधी के तापमान में वृद्धि देखी जा लगी। हालात यह है कि ठंड के यह मौसम में गर्मी के सीधा अनुभव राजनीतिक और सियासी गलियारा में देखे का मिल जाए। हालात यह है कि हमारे टैगलाइन का देख के अपना थोका सशंकित जरूर भय हो कि यह एक अनार सौ बीमार वाली कहावत का दुई अनार सौ बीमार का है लिखा गया है। विनिषेत के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी के सियासत के एक अहम पड़ाव के, जहां यह कहा जाए कि नगरपालिका अध्यक्ष के बहुप्रतीक्षित चुनाव जो है अब हो गया है अनारक्षित। अनारक्षित से तात्पर्य यह है कि अब एमा हर जाति वर्ग के व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकती है, खुला मैदान आए, खुला मंच आए। अमूमन यह देखा जाता है कि अब धन और बल के एमा खूब प्रयोग की गए। आखिर सबसे बड़ी बात कि विकास कहाँ गए, किंतु यह मुद्दा पर अगले कुछ अंकन में बात हुई। किंतु अब बात की जाए सोशल मीडिया के हड़कंप के, सोशल मीडिया के घमासान के। सोशल मीडिया में अब दावेदार कल लगभग 2 बजे के करीब यह पता चला कि सीधी के सीट जो है अनारक्षित होए के बाद सोशल मीडिया में अब यह बात के जो है सबसे ज़्यादा जद्दोजहद ही कि आखिर सीधी के उम्मीदवार को हुई। उम्मीदवार से तात्पर्य है कि सीधी माँ अमूमन दुई पार्टी के वर्चस्व है। वर्चस्व माँ भाजपा और कांग्रेस प्रमुख पार्टी है। भाजपा में यदि कहा जाए तब ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि कहे कि बीते कार्यकाल में भाजपा के जो है नगरपालिका अध्यक्ष रहे, वर्तमान में उभले कांग्रेस के सदस्यता ले ली नहीं। बीते 15 वर्षन के कार्यकाल भाजपा के होए के वजह से यह माना जा लग है कि आगामी कार्यकाल में भाजपा मजबूत दावेदारी पेश करी। वही थे कांग्रेस में यह कहा जा लग है कि उपयुक्त यदि चेहरा मिल जाता है तो शायद कांग्रेस बेहद बड़े टक्कर में हुई और यह हो सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि यह बात बहुत आगे भविष्य के हो रही है, किंतु यदि बात की जाए सोशल मीडिया में दावा के तो दावा में सबसे तेजी से जेकर नाव चल रहा है तब विधायक पुत्र, सीधी विधायक पुत्र गुरुदत्त शरण सुख मालिक के चल रहा है। जौने माँ यहाँ तक कहा जा लग है कि युवा और बेहद बड़ा चेहरा जो है इधर की नगर पालिका के जो है प्रतिनिधित्व करी और यह कहा जा लग है कि नगर पालिका के उम्मीदवार हुई। दूसरा चेहरा है विश्वबंधु धर द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर अनूप मिश्रा, चौथा बद्रीश मिश्रा। कांग्रेस से विनय सिंह, ज्ञान सिंह, कई थे ऐसा दावा जो है सोशल मीडिया में कीन जाए अलग है। बाकी दावा की यदि बात की जाए तो दावा सोशल मीडिया तक सीमित नहीं आए। यह तो है कि मन में है जरूर, किंतु अब कहब कहे के देरी है। हालांकि एक समाचार पत्र में छपे वक्तव्य के अनुसार गुरुदत्त शरण शुक्ल मालिक के कहब है कि हमारे द्वारा चुनाव की दावेदारी प्रस्तुत न की गई, किंतु यदि पार्टी मौका दे थी तो हम पीछे न हटब। यह में धर्मेंद्र शुक्ल और विनय वर्मा काफ़ी लंबी फहरिस्त थी। सवाल ये उठत है कि आखिर यह नगरपालिका चुनाव सीधी के विकास के हुई या सीधी माँ धन और बल के गंगा बहाई। माना यह जान लग है कि 15 से 16 दिसंबर तक यह चुनावन के तारीख के ऐलान हो जाए, जनवरी के पहले हफ्ता या दूसरा हफ्ता तक ये चुनाव संपन्न हो जाए। हालांकि काफ़ी कम समय है, कहे कि मध्य प्रदेश के यह सीधी के नगरपालिका सीट महिला ओबीसी खितिर आरक्षित रही, जेके खितिर जो है सीधी के भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है दावेदार जो है अपन अपन जमीनी प्रयास कर रहे, किंतु उनके मंसूबा में पानी फिर चुका है। हालात यह है कि अब अनारक्षित होए के बाद दावेदारन के लंबी लिस्ट थी। जब विधायकी के चुनाव लड़े वाले रहे, अब वो जो है नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़े वाले हैं। सवाल यह है कि या कसौटी आए जे या कसौटी में खरा उतरी वह निश्चित तौर पर सीधी के राजनीति में एक बड़ा नाम हो जाए। सवाल यह उठा था कि आखिर भाजपा और कांग्रेस सबके के भरोसे में यह चुनाव लड़े चाहती हैं। हालांकि भाजपा के द्वारा साफ तौर पर सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कहा गया है कि 45 वर्ष से ऊपर व्यक्ति के जो है नगरीय निकाय चुनावन माँ उनके ऊपर दाव न लगावा जी। हालांकि यह माना जा रहा है कि युवा का बेहद बड़ी तहरीज दी गई और वह युवा जो है या कहा जाए नगरीय निकाय चुनावन माँ प्रमुख भूमिका अदा करी। किंतु अब देखब यह दिलचस्प हुई कि सीधी माँ
या सोशल मीडिया तक लड़ाई सीमित रहा थी या मैदान में उतरे की हिम्मत को आगे देखावत है। अब यह देखा यह दिलचस्प हुई कि निर्दलीय यदि टिकट नहीं मिला था कहे कि पार्टी दुईठे ही भाजपा और कांग्रेस और तीसर यदि टिकट नहीं मिले तो का अन्य पार्टी के दामन थाम के सामने आवत है या फिर निर्दलीय मैदान में उतरत है। हालांकि यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा चुनाव सीधी खातिर ऐसे आए कि यह सीधी के राजनीति के भविष्य तय करी। ऐसे अब यह सीधी के नगर पालिका चुनाव बेहद दिलचस्प चुनाव है और एक पल पल हर अपडेट हम अपना के बीच ले और कोशिश यह करब कि मध्य प्रदेश के सीधी के यह नगर पालिका में 24 वार्ड है। ये 24 वार्डन में अपना का वार्ड वार्ड जाके और लोगन के मन के बात हम अपना के सामने जरूर ले। आपन बहुत ख्याल रखब और आपन प्रतिक्रिया जरूर देव कि अपना यदि सीधी से हैं तो अपना के हिसाब से के प्रत्याशी हो चाहिए और के जनता के बात सुनी के सीधी के विकास के बात करी। कहे कि अभी तक केवल हमका अपना का सब जवाब दिखा भागा है। मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दीन गया है। अभी तक कौनों में के ऐसा मिनी स्मार्ट सिटी के सीधी में काम नहीं भाया है जो उन्हें कहिया हम अपना कह सकी कि सीधी मिनी स्मार्ट सिटी है। हालांकि अब देखब दिलचस्प हुई कि अगला जो प्रतिनिधित्व सीधी का मिली वह कितना सरल है, सहज है, कितना विकासवादी है। कहे कि जरूरत पैसा धन बल की नहीं है, जरूरत है सोच के, एक साफ सुथरी सोच के। अपनों वह वोट के अधिकार के यह कदर उपयोग करब जो उन्हें सीधी के भविष्य में बदलाव हुए ना कि वर्तमान सीधी के भविष्य चौपट हो जाए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।